हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा बुनाई डिज़ाइन है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो भी इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो है आपको 6 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने हैं, यानी कि 6 के गुने में फंदे लेने हैं, प्लस एक फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना है। और ये जो डिज़ाइन है आपका 8 सलाइयों का डिज़ाइन है। 8 सलाइयों में डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। जो 8 सलाइयाँ आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक भी सलाई जो है आप स्किप मत कीजिएगा, एक भी रो स्किप मत कीजिएगा। और डिज़ाइन पैटर्न की जो फर्स्ट रो होगी वो आपकी फ्रंट साइड से, यानी कि सीधी तरफ से ये डिज़ाइन आपका स्टार्ट होगा होगी। तो देखिए पहले क्या करना है, पहला फंदा ऐसे स्लिप करना है, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 5 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे। यही 5-6 फंदे हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। तो देखिए 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। अब आ गए हम सेकंड रो पर। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा स्लिप कर लेंगे और फिर अब बनाएंगे 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, जो फंदा हमने स्लिप किया था इसको उल्टा बनाएंगे, यानी कि एक फंदा उल्टा। बस अब यही रिपीट करते हुए जाएंगे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब देखिए जैसे हमने ये 2 सलाइयाँ बनाई हैं, ऐसे ही हमें रो नंबर 3 बनानी है। पहला फंदा स्लिप करके रो नंबर 1 की तरह बनानी है, 5 फंदा उल्टा और एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाके एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। रो 4 पर आ जाएंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, जो कि एज स्टिच का है। देखिए ये हमने 4 सलाइयाँ बना ली। ऐसे ही हम 2 सलाइयाँ फिर से बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा, रो 1 और 3 की तरह रो नंबर 5 बनेगी, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप, धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, एक फंदा सॉरी स्लिप करेंगे, ठीक है, धागा अपनी तरफ, 5 फंदा उल्टा, एज स्टिच को सीधा बनाएंगे। रो नंबर 2 और 4 की तरह रो नंबर 6 बनेगी, यानी कि 2-4 की तरह 6 बनेगी। सेम पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इसी तरह से बनाना है रो नंबर 6 को। बहुत आसान डिज़ाइन है। एक फंदा जो स्लिप किया था इसे उल्टा बनाएंगे,
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस डालती हूँ, तो एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपको समझ में आ जाए, आपके काम का हो तो, आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया, उस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। इस लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो इस तरह से हमने ये 6 सिलाइयाँ बना ली। बस अब रो 7 ध्यान से देख लेना, ठीक है। पहला फंदा देखो, आप ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। अब ये स्टार्टिंग में 2 फंदों का 1 करेंगे, देखो 2 का 1, धागा पीछे। अब हम इस फंदे के ऊपर जो है लूप बनाएंगे, कैसे देखो, इस फंदे से बैक आ जाएंगे 5 फंदा। 1, ये दिख रहा है, ऐसे देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5, या नीचे आ जाएंगे बिल्कुल इस जगह आ जाएंगे लास्ट में। ऐसे हमने एक लूप बना लिया और इस वाले फंदे को अब हम सीधा बना लेंगे ऐसे। फिर एक लूप हम फिर इसी जगह से और निकालेंगे ऐसे, ये निकाला धागा अपनी तरफ। अब इनको 2 का 1 कर देंगे, धागा पीछे, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर देखिए धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 का 1 करेंगे, धागा पीछे, फिर से देखो लूप, ऐसे लूप बनाया, इसको सीधा बनाया, फिर एक लूप सेम स्पेस में से बनाएंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ 2 का 1 ऐसे, धागा पीछे ले जाके स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ 2 का 1, धागा पीछे, फिर लूप बनाएंगे देखो यहाँ लास्ट से, तो सीधा बनाएंगे देखो, इसे सीधा बना के फिर एक लूप यहाँ से फिर से निकालेंगे ऐसे, इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, धागा पीछे, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। अब रो नंबर 8 पर आ जाएंगे, पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, धागा अपनी तरफ, जो फंदा स्लिप किया था उसे उल्टा बनाएंगे, यानी कि रो नंबर 2, 4 की तरह ही रो नंबर 8 बनेगी इस तरह से। देखिए हमने 5 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा बनाना है। इसे देखिए 1, 2, 3, 4 and 5, 1 फंदा उल्टा, देखो इस तरह से हमने बना लिया। ये हमने 8 सिलाइयाँ बना ली। अब बस यही 8 सिलाइयाँ आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है। इस डिज़ाइन को आप 6 सिलाई में भी बना सकते हैं, 8 में भी, 10 में भी, मतलब बीच का जो गैप है वो कितना भी लंबा आप से कर सकते हैं। तो जैसे ही जब आप इसे ज़्यादा फंदों में बनाएंगे तो ये डिज़ाइन देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। बहुत सुंदर ये डिज़ाइन बनकर आता है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह बहुत खूबसूरत बनेगा। रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से दिखाई देगा, फ्रंट साइड से इस तरह से। ट्राई जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी लोगों के साथ। चैनल पर पहली बार आए, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।